प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आप अकेले हो घर पर? हाँ, मनबीर और सुखी बाजार गई हैं। सुखी को कुछ खरीदना था। तारजी भी अभी अभी गए हैं पंडित जी के यहाँ। फिर भी इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने ही उन्हें जाने के लिए कहा था। काका इधर आ, जरा बैठ। पुत्र, मुझसे तेरी उदासी नहीं देखी जाती। मुझे कोई उदासी नहीं है। ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन, इस सब के पीछे उदासी ही तो है पुत्र। तू कहे ना कहे, माँ सब समझती है। कितने अरमान थे दिल में, ये तो क्या सोचता रहता है। अरे इसमें क्या है, मुझे भी दे। अगर गुरुमुखी में है तो मैं भी पढ़ूंगी। नहीं, इसमें आपके पढ़ने लायक कुछ नहीं। पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तू चोरी का काम कर रहा है। मैं और चोरी? क्या कह रहे हो बीजी? और क्या, मुझे थैला क्यों नहीं दिखाया? कहा ना, इसमें आपके मतलब की कोई चीज नहीं। और जो तरह तरह के लोग तुझे पूछने आते हैं वो क्या? अरे घर में कोई नहीं है क्या? माँ, नानी, अरे बीजी आप? जिंदा रहो पुत्र, जवानियां मानो, सुखी रहो मेरे जीतिया। नानी, जीतिया नहीं, जगजीत। हाय मामा। माँ का है? दारजी भी नहीं है बैठक में। अभी आ जाएंगे। तू अचानक यहाँ कैसे? तीन छुट्टियां एक साथ आ गई, सोचा चलो पीजी को ही घुमाए। अब मेरे घूमने फिरने के दिन कहाँ रहे बेटा? अभी देखो नानी। ये देखो नानी। ये कहां से ले आया तू? दिल्ली से। मेरे साथ एक लड़का है आनंद, उसकी फैक्ट्री में बनती है ये, फरीदाबाद में है। जीते रहो बेटा, तुझे नानी का कितना ख्याल है। और कैसा चल रहा है तेरा एनडीए? डू दे ट्रस्ट यू? व्हाट डू यू मीन? ऑफ कोर्स दे ट्रस्ट मी, दे लव मी। मैं हैरान हूं आप ऐसी बात सोचते कैसे हैं। एनडीए में हमें सिखाते हैं देश को पहचानना, देश से प्यार करना, देश पर जान लुटाना। आपने कितना पहचाना है अपने देश को? कभी पहचानने की कोशिश भी की? कम आउट ऑफ योर शेल। आपको जरूरत है ताजा हवा की, रोशनी की। डू यू गेट मी? देखिए प्रधान जी, इस किस्म के खत दो जगहों से आते हैं। एक तो वो गुमराह लड़के जो विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर इस आतंकवाद की दलदल में फंस गए, और दूसरे वो समाज के दुश्मन लोग जिनका धंधा ही डर और आतंक फैलाकर भोले भाले लोगों से धन बटोरने का है। और वैसे धन बटोरने का काम ये आतंकवादी भी करते हैं, पर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इन खतों को लिखने वाले कौन लोग हैं। देखिए
आतंकवादी छुपकर काम करते हैं, इसलिए इनको ढूंढ निकालने में कुछ समय तो लगेगा ही। अच्छा कमिश्नर साहब, हमारे जो बच्चे आतंकवाद के चक्कर में फंस गए हैं उन्हें किसी तरह समझाया नहीं जा सकता? सामने हूं तो समझाया जा सकता है, लेकिन होता दरअसल ये है कि पहले तो भोले भाले लड़कों को गुमराह करके उनसे क्राइम करवाया जाता, उनसे अपराध करवाए जाते, और फिर उनसे ये कहा जाता है कि अगर वो ये रास्ता छोड़ेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए उनके पास यही एक रास्ता है। मेरा ख्याल है ऐसा करें, आप ये खत मेरे पास छोड़ जाएं, मैं भेजने वालों का पता करवाता हूं और साथ में आपके घरों की निगरानी का प्रबंध भी करता हूं। अच्छी बात है जी, हम अपनी तरफ से ऐसे रहेंगे जैसे ये खत हमें मिली नहीं, बाकी वाहेगुरु को जो मंजूर। अच्छा जी, इजाजत दें। क्या ढूंढ रहा है मुझे बता, मैं ढूंढ देती हूँ। आज तो तू बाहर भी नहीं निकला। सुन, वो आदमी दूसरी बार आया था, क्या चाहिए उसे? तू क्यों उससे छुपता फिर रहा है? जरूर कोई बात है जो तू हमसे छुपा रहा है। कहा ना, तुम लोगों के मतलब की कोई बात नहीं। बात यह है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। तो फिर तेरे पास क्यों आता है वो बार बार? तेरा उससे क्या मेल? वीर, कहीं तूने उसे उधार तो नहीं लिया? मैं क्यों लूंगा उधार? फिर वो आदमी मुझसे कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? जो मैं उसे नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकते? महंत शंकरनाथ का नाम सुना है? हाँ हाँ सुना, क्या है, देखा भी है। चाचा जी के साथ हमारे घर पे आए थे और मेरे ब्याह में भी तो आए थे, हमें आशीष दी थी। क्यों, क्या हुआ महंत जी को? अभी कुछ नहीं हुआ। फिर? ये लोग जानना चाहते हैं कि महंत जी के पास कितना रुपया पैसा है, वो कहाँ सोते हैं, आसपास कौन लोग हैं, डेरे पर क्या क्या हथियार हैं, ये सब मैं उन्हें नहीं बता सकता। मान जी को तो बता सकता है। नहीं, इसमें तो और भी ज्यादा रिस्क है। मुझे रास्ता दिखा वाहगुरु, मुझे रास्ता दिखा। वीर, तू ऐसा कर, मेरे साथ बेंगलोर चल। जाना तो मुझे है यहां से, नहीं जाऊंगा तो दिमाग की नसें फट जाएंगी। ये तनाव अब मैं और नहीं सह सकता। लेकिन कहां जाओगे? नहीं बता सकता। क्यों? कुछ मजबूरी है मेरी, अब ये मत पूछना कि क्या मजबूरी है। सुखी, तू अपने वीर के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती, तू कह तो सही। मेरे बारे में किसी से मत कहना कि मैं कहां गया हूं, क्यों गया हूं, ना दारजी से ना बीजी से, मनवीर से भी नहीं। मुझे अपने वीर की सौंप।
है तो बहुत मुश्किल, पर तूने 100 दी है इसलिए निभाऊंगी। अच्छा तेरा वागुरु राखा। सच्चे पाशाह मेहर करी, सारा सामान देख लिया तुमने, कहीं कुछ लिख के तो नहीं गया? तुम्हारा उससे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं बीजी। तो फिर कौन था उसके साथ रात को, किससे बातें कर रहा था वो? मुझसे। तुमसे? हाँ। तुमने कुछ कहा उसे? नहीं। घर में तो किसी ने कहा नहीं उसे कुछ, घर वालों को किस कसूर की सजा दे रहा है? जब परदेश में था तो चिंता थी कि 7 समुंदर पार है, अब पास रहकर भी जैसे परदेश में है, है ना? बीजी कुछ काम काज में लग जाए, शादी ब्याह हो जाए तो उसकी ये भटकन दूर हो। अरे पर किसी से तो मन की बात कहे, कल रात से घर से गायब है, मैं किसी को पता नहीं कहाँ गया क्यों गया। चलो अपने को तो किसी तरह समझा लेंगे, पर बाहर वालों से क्या कहें। सुन तेरे दार जी भी अभी तक नहीं आते। आते होंगे बीजी, आज वो लोग भी नहीं आए। सुखी सुन, आज वो आदमी तो नहीं आए, रोज आते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुलवीर उन लोगों के साथ? मैं पानी लाती हूँ। क्यों जी, कुछ पता चला? उसके सब ठिकाने देख आया हूं, कुछ पता नहीं चला। खुल के पूछ भी तो नहीं सकते, बात ही ऐसी है, रब जाने कहां गया है पगला। कह के जाता, या कब किसी ने रोका है उसे किसी बात से? कहीं कुरस्ते ना चला जाए, धर्म अधर्म का कुछ पता भी तो नहीं उसे, और वैसे भी आजकल धर्म के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा, भटकती देर लगती है क्या? पानी। जीऊं दीरो बेटी। सुनो किसी से कुछ कह तो नहीं आए? मैं पागल हूं क्या? बस एक पंडित जानता है। उससे भी न कहते तो अच्छा था। क्या कहते हो बीजी, 40 साल जो हमारे सुख दुख के साथ ही रहे, दारजी उन्हें कर कैसे मान ले? जब अपना बच्चा ही में गैर मानता है तो कौन अपना कौन पराया। बीजी जा बेटा, वो व्हील चेयर ले आ जो जगजीत तेरी बीजी के लिए लाया था, जा बेटा ले आ।
क्या करोगे उसका? तुम्हें घुमा के लाएंगे और क्या। ठीक तो है बीजी, जाने कब से बाहर नहीं निकले हैं आप। हाँ और क्या, ला चल आओ आओ आस्ता से। हाँ देख के संभाल के। ये बात देखा, तू घबरा ना, वाहेगुरु मेर करेंगे। अब तो बस एक बार ही निकलूंगी घर से बाहर। कैसी उखड़ी उखड़ी बातें करते हो बीजी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं तो क्या, चल चल चल। हाँ चलो छोड़ो ये बात। हाँ चल सोना है। मुझे पता होता तो मैं पहले भी आती, मुझे कोई लाया ही नहीं। तुम्हें अच्छा लगता है तो हम लाया करेंगे तुम्हें। जीता तो उसी दिन घुमाना चाहता था मुझे, मैंने ही मना कर दिया। देख ज्ञान कौर, अब तू उसे जीता मत कहा कर। महीने दो महीने में वो फौज में कमीशन अफसर हो जाएगा। अब तू से जगजीत कहा कर। हाँ वो भी मुझे यही कह रहा था। मैं क्या करूं, मुझे जीता नाम ही इतना प्यारा लगता है। जगजीत, ऐसे लगता है जैसे किसी पराये की बात हो। ज्ञान कौर कब चलें? मासी पैर ही पहना। मासी जी। ओए कुलबीर काका, तू जुग जुग जी। ओए कब आए? अभी। ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर, तार भिजवा देता जता तुझे लेने आ जाता। मैंने सोचा बिना खबर दिए ही चलूं, देखता हूँ मौसी घर में घुसने देती है या नहीं। ए पागल। तेरा अपना घर है काका जतार। ओए देख तो कौन आया है। ओ वीर जी कब आए तुसी? अभी आया। तुम सुनाओ कहाँ की तैयारी है? वो कुछ माउंटेनियर दोस्त आए हुए मेरे, ग्लेशियर तक जा रहे हैं, उनको जरा रास्ते में छोड़ना है। आप भी साथ चलो, वापसी में साथ रहेगा और आपका दिल भी बहल जाएगा। क्या कह रहे तू, बेचारा रात भर के सफर में थका हुआ होगा। हाँ जी बहुत थके हैं ना, और हमने कौन सा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, जाना है और आना है। क्यों वीर जी? That's like a good brother. आइए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। Hey, come here. Meet my cousin Kulbir. Hello, Shamim. Hello, Shamim.
हरविंदर सिंह फ्रॉम पंजाब दो फ्रॉम लखनऊ यंगर फ्रॉम नागालैंड नागालैंड अच्छा यस यस सही था फ्रॉम मणिपुर अच्छा अच्छा आप जब ये तुम ऐसा चल ही रहा है तो अंदर जाकर मुंह तो धो ले हां चलो चलो भाई चलो ऐसा करता हूँ मैं इस तरफ से निकलता हूँ आप इधर से रास्ता है कोई ऑफ कोर्स तो ठीक है आप लोग इधर से ही निकलिए ठीक है वहीं मिलते हैं फिर ओके ओके बाय बाय गुड लक कुदरत सुनिए कुदरत सुख कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कितनी मेहनत की है तुमने इस मिट्टी पर काश इस मेहनत में मेरा भी साझा होता मेरी तो टांगे ही बैठ गईं याद है जब मनबीर और कुलबीर छोटे से थे तो पहली फसल लगाई थी हमने तुम तो हमेशा लाम पर ही रहा करते थे कितना बोझा उठा लेती थी तब मैं और अब तुम्हारे ही हाथ पैर हैं जिन्होंने ये खेत लगाए हैं ये क्यों भूलती हो वाह गुरु सब पे मेहर करेंगे कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत करती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक कुदरत दिसे कुदरत चलो चले खुली हवा में सांस लेने दो ओ नको ओ मार सुखिया नको बैरिया ने कोई मदद के लिए आ जाओ
सत श्री अकाल। बड़ा अफसोस है। क्या कहें जी, अभी अभी दौरे से लौटा तो मुझे ये बुरी खबर मिली, सीधा यहां चला है। आखिर ये सब हुआ कैसे? मैंने तो बगैर वर्दी के अपने कुछ अफसर भी यहां लगाए थे, वो उस वक्त कहां थे? वो तो थे, पर ये सब कुछ यहां हुआ ही नहीं, फार्म पर हुआ सब कुछ। समझ में नहीं आता उन लोगों की इनसे क्या दुश्मनी थी। ढूंढ तो रहे थे वो कुलवीर को, उनको शक था कि वो फार्म हाउस पर छुपा बैठा है, लेकिन जब वो उन्हें वहां नहीं मिला तो उन्होंने अपना गुस्सा पीजी पर उतार दिया। वो तो शुक्र है दारजी बच गए। ये भी कोई बचना है? हम भी ज्ञान कौर के साथ चले जाते तो अच्छा था। हत्यारे! ना बीबा ना, हम तो फौजी हैं पुत्र, मैंने भी लड़ाइयां लड़ी इटली में, कोरिया में, संसंताड़ी बाट पैंट में, लेकिन निहत्थों से नहीं। सामने हथियार बंद दुश्मन होता था, ये कैसी लड़ाई? अरे लड़ना है तो देश के दुश्मनों के साथ लड़ें। उनसे क्या लड़ेंगे, उन्हीं के तो सिखाए समझाए हैं, उन्हीं से तो ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हीं का पैसा, उन्हीं के हथियार, उनसे क्या लड़ेंगे। वाहे गुरु सच्चे बादशाह, इन भटके बच्चों को राह दिखा, गुरमार्ग पर लगा, इनकी आंखों का अंधकार दूर कर, इन्हें नूर दे, अकल दे मेरे मालिक, होश दे, इन्हें इंसान बना मेरे सदगुर, इन्हें इंसान बना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर ले नहीं जाके, कंचन माटी माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ना 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 ना, सुखी वाहे गुरु तुझे सुखी रखे। बीजी के जाने के बाद तुम कितना बदल गई हो, लगता है जैसे बीजी तुम में आ गई है और तुम कहीं खो गई हो। Thank you.
मैंने दुख जिया है सुखी। मैं कभी भी बीजी से अलग नहीं थी, मैं तब भी उनकी परछाई थी और आज भी उनकी परछाई हूं। जा, वाहेगुरु तुझे सुखी रखे। मुझे बताओ मैं क्या करूं, आज मुझे यहां से जाना है और जाना मुझसे होगा नहीं। शरीर जाएगा पर मन यही रहेगा, दारजी तुम्हारे और कुलबीर के पीछे दौड़ता रहेगा। तू निश्चिंत होकर अपने घर जा, वाहेगुरु हम सब का रखा है। कैसे निश्चिंत हो, कुलबीर की तरफ ध्यान जाता है तो मेरी जान जाती है। कहाँ है वो? तू अपना सामान ठीक कर, मैं उसे जाकर देखती हूँ। कुलबीर क्या सोच रहा है? चल उठ, सुखी जा रही है, उसका हाथ बटा। देख तो कुछ कहे ना कहे, मैं जानती हूँ सुखी ने मुझे सब बता दिया है। सोचियाँ सोच ना होए, जे सोचे लख वार। जो तेरा धर्म है वही कर। वो लोग कहते हैं तेरा तेरा धर्म यही है कि तू महंत शंकरनाथ के बारे में पता कर और हमें बता, लेकिन लेकिन मेरा मन कहता है कि महंत जी रब की देन है, रब वाले हैं, धर्म वाले। उसी की सुन, मन की दशम पातशाह की बाणी याद रख। मानस की जात सभी एको, पहचान वो। उन लोगों की कुछ बातें तो मुझे ठीक लगती है, लेकिन ये बात ठीक नहीं। ठीक है, जो वाहेगुरु की मर्जी। ये क्या कर रहे हो बलवंत? देखते नहीं कितना टाइम हो गया है और अभी तक तुम्हारा हिसाब बराबर नहीं हुआ। बस पंडित जी, 10 मिनट और। 10 मिनट और, सोचा था आज 5 बजे ही निकल जाऊंगा, देखिए 8 बज गए। सोचते तो तुम रोज हो, पर कभी 5 बजे गए भी हो? काम अधूरा छोड़कर जाने का मन भी तो नहीं करता, और ये बुरी आदत भी तो आप ही की डाली हुई है पंडित जी। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातों में समय ना गवाओ और जल्दी जल्दी काम निपटा लो, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कुलबीर, कहाँ तू? क्या बात है? मैं स्टेशन स्टेशन गया था। हाँ हाँ, सुखी को छोड़ना। चाचा जी, वो मेरा पीछा कर रहे। कौन वो? चाचा जी, बलवंत जी खिड़कियां बंद कर दो। चाचा जी, खिड़कियां बंद कर दो। कौन लोग हैं? क्या चाहते हैं? चाचा जी, वो खिड़की। पड़ी चिटकली।
जी बलवंत जी, बलवंत जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा बलवंत जी, बलवंत जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, बलवंत जी, चाचा जी, बलवंत जी, चाचा जी। वाहिगुरु पंडित जी की आत्मा को शांति दे। खरे आदमी थे, पराई अपने ऊपर ले ली, ओट बन गए कुलवीर की, और वो हत्यारे मारे गए पुलिस के हाथों। बंदूक का नशा था उनको, और ऐसे नशे का अंत हमेशा मौत ही होती है। वाहे गुरु इन भटके हुए बच्चों को अकल दे, इनका नशा तोड़ दे, इनको होश दे। बस बस बेलात हो गया दार जी। ना ना पुत्र, बाबा जी मेरी माँ और बाप दोनों थे, बेलात हो गया दार जी। बस बस पुत्र बस, तू अनाथ नहीं हुआ बेटे, अनाथ तो ये हुआ है, इसे जीवन दिया है मेरे पंडित ने। अनाथ तो ये हुआ है, तेरे लिए तो मैं हूं अभी। दारजी संभालिए अपने भाई को। ले पुत्र तेरे धर्म पिता। चले जी चले। बेदर्दा संग कैसी यारी है के रोवण अखियां जारो दारी। बेदर्दा संग कैसी यारी है,
बेदर्दांदा की परवासा, खौफ नहीं दिल अंदर मासा, बेदर्दांदा की परवासा, खौफ नहीं दिल अंदर मासा, चिड़ियां मौत गवारा हासा, ते पिछियों हस हस तौड़ी मारी, बेदर्दां संग कैसी यारी है, बेदर्दी गए सनु कलियां छड़ के, हिजर दी तांग सीने दे विच गड़ के, बेदर्दी गए सनु कलियां छड़ के, हिजर दी तांग सीने दे विच गड़ के, ओ जिस्मो जिंद नू लागे कड़ के, ए गल कर गए हैं सियारी, बेदर्दां संग कैसी यारी होए, के रोबण अखियां जारो दार।